हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज ऐश फिर से आई है अपनी नानी के घर आम की अपडेट देखने के लिए कि आम कितने बड़े हो गए हैं। लास्ट टाइम जब भी आई थी तो केरी बहुत छोटे साइज की थी, ड्रॉप साइज की, बट अभी केरी थोड़ी बड़ी हो गई है, मीडियम साइज की। एंड ऐश ने एक पूरी डाल पकड़ भी ली है एंड ऐश इसको खाना चाह रही है। ऐश आप छोड़ दीजिए प्लीज, ऐश उसको बिल्कुल नहीं छोड़ रही है, ऐश को बहुत पसंद आ गई है ये वाली केरी। मुझे लगता है ये अभी तोड़कर अपने घर ही जरूर ले जाएंगी। ऐश प्लीज, ऐश नहीं छोड़ रही है, इसका मतलब ऐश इसको बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी है, बट अब ऐश को इसको छुड़वाना पड़ेगा। एंड लेट्स चेक कि कितनी केरी आई है, ऐश को इस बार कितनी केरी मिलेंगी खाने के लिए। सो माशाल्लाह बहुत अच्छी केरी आई है इस बार, बहुत सारी दिख रही हैं। अभी सब मीडियम साइज़ की हैं, अभी आम वाली नहीं हुई हैं ये, और ना अचार के लिए हुई हैं, थोड़ी सी छोटी हैं। अभी थोड़े दिन बाद इनका साइज़ इतना हो जाएगा कि इनका अचार बनाया जा सके। तो ऐश को इस बार खाने को मिलेगा अपनी नानी के घर का अचार एंड केरी एंड चटनी सब कुछ। तो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा प्यारा केरी आई है यहाँ पे। आप लोगों को दिख रहा होगा ये तो सिर्फ एक पेड़ की है, इनकी नानी के घर में तो माशाल्लाह 8 पेड़ हैं, सभी पेड़ों में आई हैं केरी। बट ये वाला पेड़ सबसे पास में है तो इसको हम लोग टच कर सकते हैं, बाकी पेड़ थोड़े दूर हैं। वन मोर केरी। ऐश को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे टेरिस पे आके। लास्ट टाइम जब भी आई थी तो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी केरी, स्टार्टिंग थी, बट अब थोड़ी सही हो गई है। आई थिंक नेक्स्ट मंथ तक कितनी बड़ी हो जाएंगी कि इनका अचार डाला जा सके। तो इनको देखते हैं नानी कितनी केरी देंगी अचार डालने के लिए एंड चटनी बनाने के लिए। तो ऐशनून ने पूरा इंस्पेक्शन कर लिया है केरी का कि इनको कौन कौन सी पेड़ की कितनी केरी चाहिए, एंड इनको माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है सब कुछ। एक ये ट्री है, ये जामुन का है, इसमें अभी फ्लावर्स आ रहे हैं, अभी जामुन नहीं आए हैं। तो ऐश को माशाल्लाह ये सब ट्रीज देख के एंड गार्डन देख के बहुत अच्छा लगा, इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो एवरीवन, अब जब हम लोग टेरिस तक आ ही गए हैं तो ऐश ये कह रही है कि इनको यहाँ का गार्डन देखना है जो हम लोगों की कॉलोनी का है। तो ऐश के इस विश को पूरा करते हैं एंड इनको यहाँ का गार्डन जरूर दिखाएंगे। आइए आप लोग भी देखिए आके यहाँ का गार्डन, ये हम लोगों की कॉलोनी का पार्क है, आप लोग देखिए। ये हम लोगों की कॉलोनी का पार्क है, इवनिंग टाइम है इसलिए यहाँ पे बच्चे आए हैं खेलने के लिए। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग भी जाते थे खेलने। तो ऐश को यहाँ की ग्रीनरी देख के, यहाँ के प्लांट्स एंड ट्रीज देख के बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी अपने बेबीज को लेके किसी भी गार्डन में जाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनको प्लांट्स एंड ट्रीज से इंट्रोड्यूस करवाइए। सो इसी तरह से बेबीज के साथ टाइम स्पेंड करिए एंड ऐश के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐश को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।